सो हाय गाइज, वेलकम बैक इन कॉलेज ज्ञान 24 पार्टनर्स ऑफ एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका कॉलेज काउंसलर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। एडमिशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी एडमिशन के चक्कर में काफ़ी सारे कॉलेज की सर्चिंग स्टार्ट कर दिए होंगे। नाउ फाइनली काफ़ी सारा डाटा जो है कलेक्ट करने के बाद, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस, काउंसलिंग एक्सपीरियंस से, आप लोगों के फीडबैक से और मीडिया की हेल्प से मैंने फाइनली टॉप 10 की लिस्ट तैयार कर लिया है। आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंदौर के टॉप 10 फार्मेसी, प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज का। बट इस वीडियो में मैं टॉप 3 कॉलेज, प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज इंदौर के बारे में बात करूंगा, उसकी एफिलिएशन, उसकी फीस, रियलिटी ऑफ दैट, ये सब अपन आज डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि ऐसे ही रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, कॉलेज एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप हमारे साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन बुक अ कॉल, देन ऑन अपॉइंटमेंट पेज सेलेक्ट योर सर्विसेज लाइक कॉलेज काउंसलिंग, क्लिक ऑन डैट, चूज योर डेट, देन चूज योर शेड्यूल टाइम लाइक दिस। नाउ पुट योर ईमेल नेम, फोन नंबर एंड रिलेटेड क्वेश्चन एंड देन क्लिक ऑन डैट टिक बटन एंड सबमिट इट। ओके, तो यार टॉप 10 की लिस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। नाउ टॉप 3 फार्मेसी कॉलेज, प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज इन इंदौर के बारे में अपन डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं, तो एक्रोपोलिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंदौर, इंदौर में अगर आप इंदौर से फार्मेसी करना चाहते हो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, देन नंबर 1 पे आता है फार्मेसी में एक्रोपोलिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहाँ की बात करें तो एफिलिएशन की बात किया जाए तो ये दिल्ली देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, ठीक है, DAV से एफिलेटेड हैं। अप्रूव्ड की बात करें तो AICTE एंड फार्मेसी के लिए PCI बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लोगे तो ज़रूर देखना वो कॉलेज क्या PCI से अप्रूव्ड है या नहीं है, फार्मेसी के लिए बेस्ट होता है। अगर वो कॉलेज नहीं है PCI से एफिलेटेड, देन बिल्कुल मत करना वहाँ से फार्मेसी। ठीक है, आगे कोर्सेज की बात किया जाए तो यहाँ पे B Pharma, M Pharma और डिप्लोमा इन फार्मा, ये सब आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ BCA, MCA, BA, MCOM, MCA, BTech वगैरह और भी काफ़ी सारे कोर्स कराए जाते हैं। जनरली अपन भी फार्मेसी की बात कर रहे हैं तो फार्मेसी रिलेटेड कोर्स की बात बारे में डिस्कस करेंगे। आगे हम फीस की बात करते हैं तो फीस भी आप देख सकते हो यहाँ पे B Pharma की फीस। ओके, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो यार यहाँ पे अगर आप यहाँ से डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हो तो यहाँ पे लगभग 40 से 45,000 या और 50,000 पर ईयर आपको देना पड़ सकता है। वहीं हम अगर आप B Pharma करना चाहते हो इस कॉलेज से तो यार 90 के आसपास चला जाता है, 90,000 पर साल इस कॉलेज में फ़ीस चली जाती है और कभी कभी तो 1,20,000, 1,25,000 तक भी गई है, क्योंकि हमें पता है आजकल 2-3-4 साल से फार्मेसी की डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ा है। और बार्गेनिंग की बात अगर आप यहाँ पे करें, जैसे मैं बताता हूँ प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं आराम से धांधली चलती है, जम के बार्गेनिंग होता है। ठीक है, तो दलाल वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, सीधे खुद बात करना, सर मेरी इतनी औकात है मैं इतना पैसा दे पाऊँगा, अगर आप एडमिशन दे पाओगे तो बताओ, नहीं तो मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, और यार देखो है ना, बात ऐसा है कि प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, मेरा मेन फंडा यही रहता है, या पढ़ाई करो तो अच्छे कॉलेज से करो, अदरवाइज़ मत करो, मेरा तो मेन यही फंडा है। बट आजकल क्या होता है, बच्चे इसी समझते नहीं है, ठीक है, वो ले लेते हैं, कम पैसा है में एडमिशन हो रहा ले लेते हैं। बट यार ठीक है, कॉलेज आजकल ये टॉप, भले ये टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 कॉलेज में बता रहा हूँ, टॉप ये सब एक ही जैसे हैं, ये सारे के कॉलेज एक जैसे ही हैं, सबका हाल एक ही है, क्लियर है। जस्ट इसके प्लेसमेंट और थोड़ी बहुत चीज़ों से रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 पे आ गया है, बट यार पढ़ाई के मामले में सब एक जैसे हैं। आपको ही मेहनत करनी पड़ती है, आपको ही अपना कैरियर बूस्ट करने के लिए अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है, कॉलेज से कुछ सपोर्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो फीस वगैरह बताई दिया, एड्रेस एंड कॉन्टेंट इन्फो के लिए आप चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ दिखा दिया हूँ। काउंसलिंग से रिलेटेड यार, किसी कॉलेज से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें अपना हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड नाउ और क्लिक ऑन अ बुक कॉल, ठीक है, अपॉइंटमेंट तय कीजिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे।
आगे बात करते हैं मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी इंदौर, फार्मेसी का सेकंड कॉलेज ये आता है ठीक है इंदौर में, और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी है, नामी कॉलेज है इंदौर का। एफिलिएशन की बात करें तो AICTE न्यू दिल्ली एंड MHRD गवर्नमेंट ऑफ MP से रिकॉग्नाइज्ड है। अप्रूव की बात करें तो UGC PCI ICAR बेस्ड ICR से ये अप्रूव्ड है। एफिलिएशन RGTU भोपाल एंड जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से ये कॉलेज एफिलेटेड है। कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आपको बी फार्मा करने को मिल जाएगा ठीक है। आगे बात करते हैं फीस की, तो यहाँ जो बी फार्मा की फीस है इसकी भी लगभग फीस 80 से 90 की 90,000 पर ईयर के बीच में ही है ना। बार्गेनिंग यहाँ भी चलता है, बट अगर सीट कम रहा डिमांड ज़्यादा रहा देन ये अप्रोक्सीमेट अपने फिर वैल्यू ये भी फीस की बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा रिसर्च करके ही आप सोचना है इसमें। एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट इन्फो की बात करें तो एड्रेस ये रहा, फ़ोन नंबर भी दे रखा हूँ, ये इंटरनेट पे आपको भी मिल जाएगा ठीक है। फिर आगे बात करते हैं चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंदौर की, ये तीसरे नंबर पे आता है इंदौर के फार्मेसी के टॉप 3 कॉलेज में आता है चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंदौर ठीक है। एफिलिएशन की बात करें तो AICTE एंड PCI से एफिलिएशन है, UGC से अप्रूव्ड है। कोर्सेज की बात किया जाए तो यहाँ पे बी फार्मा डी फार्मा आपको करने को मिल जाएगा। फीस की बात किया जाए तो आप यहाँ पे फीस देख सकते हो, डी फार्मा की फीस लगभग 50,000 के आसपास है। इंदौर में जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं ना, खासकर टॉप 3 कॉलेज हैं, इनकी फीस लगभग सेम है। डी फार्मा की बात करें तो 40,000 से 50,000 के बीच में आपको मिल जाएगा, वहीं हम बी फार्मा की बात करें तो 80,000 से 90,000 पर ईयर आपको देना पड़ सकता है। बट यार यहाँ पे बार्गेनिंग भी जम के होता है, तो कोशिश करना बार्गेनिंग ज़्यादा नहीं होगा, बट बोलना कि सर 70,000 दे पाऊँगा, 65, 70 या 75, इससे ज़्यादा ये कम नीचे नहीं जाएंगे, बट इतने में आप बार्गेनिंग करोगे तो 10,000, 5,000, 15,000 आपका जरूर कम हो जाएगा ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एड्रेस वगैरह के लिए मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ, आप चेकआउट कर लेना, फ़ोन नंबर भी दे दिया हूँ, वैसे नेट से भी आप ढूंढ सकते हो। कोर्सेज के लिए और फीस के लिए एग्जैक्ट डिटेल के लिए आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट फीस बता देंगे है ना। अदरवाइज आप हमारे साथ भी कॉल बुक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो, हम भी आपके लिए पता करके इसकी एग्जैक्ट फीस और करिकुलम्स एक्टिविटीज़ वगैरह हम आपको बता देंगे ओके। सो यार आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो भी मैंने टॉप 3 की लिस्ट बनाया है आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी टॉप 10 की लिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉलेज से रिलेटेड, एक नए टाइप के कॉलेज से रिलेटेड डिस्कशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।